मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो, अमानत हो। ये दोनों मियाँ बीवी के आपस का मामला है, बेहतर यही है कि ये दोनों खुद ही इस बात को तय करें। नहीं चाची, वो इस काबिल नहीं है कि उसके सामने बैठकर बात की जा सके। लिमिट्स तुम्हारे भाई ने और तुम्हारी बीवी ने क्रॉस की थी, लेकिन तुम्हें देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वाह, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भी उनकी तरह बेगैर। शट अप। मम्मी, नादानी और गुनाह में बहुत बड़ा फर्क होता है। उसने दो मासूम लोगों पर इल्जाम लगाया, भाइयों को आपस में लड़वाया, उसकी वजह से मैं अपना बीवी बच्चा छोड़ बैठा था। अगर सर आपको कुछ भी बताया ना, मुझे या मेरे घर को कुछ भी हुआ तो मैं घर बर्बाद कर दूंगी, बस नहीं दूंगी आपको। आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है तो जाना होगा, भूलिएगा नहीं। हाँ मुझे याद है, मैं जल्दी आऊंगा ऑफिस से। फरार भाई मुझसे नहीं मिलेंगे, अगर देर हो जाए तो मैसेज करके रिमाइंड करा देना। मेहर, क्या हुआ है? ऐसे उठ के वहां से क्यों आ गई हो? हम लोग बात कर रहे थे ना। चाची आपने सुना नहीं वो क्या कह रही थी? हाँ मैं देख रही हूँ उनका बदला हुआ रवैया और अंदाज। मुझे नहीं पता कि अब अचानक से कैसे उनको सच्चाई पता चल गई, लेकिन अब वो मेरे पास आ गई, मुझसे माफी मांगने और मुझसे कह रही है कि घर वापस चलो। मुझे वो वक्त भूला नहीं है जब इन सब ने मुझे घर से निकाल दिया था और मैं इन सबको आवाजें देती थी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बात का यकीन नहीं किया। और मेरी तो छोड़े, सालार तो इनका अपना खून है ना। जब मैं उसे लेकर गई थी इन सबसे मिलाने तो किसी ने उसकी तरफ देखना तक गवारा नहीं किया, फिर वही इल्जाम, फिर मेरे किरदार पर वही बातें। मैं वो सब नहीं भूल सकती चाची, मेरा इतना जर्फ नहीं है कि मैं ये गलतियां माफ कर सकूं। लेकिन वो जो कुछ भी कह रही है वो ठीक कह रही है, यही बातें तो मैं तुम्हें समझाती थी। चाची समझने और समझाने का वक्त अब खत्म हो गया, मेरी उस घर में और जरार की जिंदगी में अब कोई जगह नहीं है, वो जगह जुनैरा की है, उसे ही वहां रहना चाहिए। तुम सालार को उसके बाप से क्यों महरूम कर रही हो? क्यों ज्यादती कर रही हो उसके साथ? तो बेहतर ये नहीं है कि वो माँ बाप के साए में रहे? सॉरी इतने दिन हो गए तुमसे मिलने नहीं आई, कल आई भी तो मिले बगैर चली गई। खैर तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर हूँ, फिजियोथेरेपी चल रही है तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सबसे जल्द निकलूँ। तो थैंक्स टू लाइबा कि मैं इतने दिनों के बाद कमरे से बाहर निकला। ये तो बहुत अच्छा किया लाइबा भाई, आपसे पहली दफा मुलाकात हो रही है लेकिन आपके बारे में बहुत सुना है। तुम्हारे बारे में भी काफी सुना है मैंने जुनैद से, जब हम बाहर थे ये अक्सर तुम्हारे बारे में बात किया करते थे और तुम्हारे लिए परेशान होते थे और मैं फोन नहीं उठाती थी, बात भी नहीं करती थी, नाराज थी, पता नहीं जुनैरा की बातों में आके बस। तुम कब आए? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, कला कहाँ है? वो तो सो रहा है, मैं तो काफी देर से आई हुई हूँ, मम्मी को काम से जाना था तो मैंने सोचा जुनैद और लाइबा भाभी को कंपनी दे दूँ। मम्मी का? पता नहीं। चलो मैं पता करता हूँ, मैं चलता हूँ, मुझे जुनैद को हॉस्पिटल लेके जाना है। अल्लाह हाफिज़। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, ये फैसला मैंने सिर्फ और सिर्फ सलार के लिए किया। मेरी कुछ बातें हैं जो आपको माननी होंगी। मेरा उस घर से ताल्लुक और जरार से ताल्लुक सिर्फ कागजी होगा, मैं वहां सिर्फ और सिर्फ सलार के लिए जा रही हूँ
और इसी हैसियत से वहां रहना चाहती। आ जाओ। ये क्या कह रही है यहां पर? इसे मैं लेकर आई हूं। इस लड़की को आप यहां कैसे लेके आ सकती हैं अम्मी? क्यों, ये मेरा घर है। मैं अपनी बहू और अपने पोते को अपनी मर्जी से यहाँ लाई हूँ, और मैंने सफदर से भी बात कर ली है, उनकी मर्जी भी इसी में शामिल है। आप लोग बड़े, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी फैसला कर लेंगे। पहले आप अपने बेटे को ले आए, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये यहाँ पर है। जरा अपनी बीवी को समझा दो, मेहर अब यहीं रहेगी और मुझे इस मामले में कोई बहस नहीं चाहिए। बहस मुझे भी नहीं करनी, ना झगड़ा करना है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये इस घर में रहे। इसे अभी इसी वक्त निकाले। जी। ये क्या हो रहा है इस घर में? आप भूल गए इन लोगों ने आपके साथ क्या किया था? आपके भाई ने, इसने मिलके क्या? बस मेरी बहू और मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना, वरना बहुत बुरा होगा। जुनैरा एक भी लफ्ज गलत नहीं कह रही अम्मी, तमाशा बना के रख दिया आप लोगों ने। मैं अपने बेटे से जुदाई बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन इस बदकिरदार लड़की को एक पल भी अपने घर में नहीं रहने दूंगा। निकालिए इसको बाहर। और मेहर, तुम उससे डायरेक्टली बात करने की जरूरत ही नहीं है। जुनैरा जो बात है ना वो मुझसे करो। बहुत बातें करती हो ना तुम, सब लोगों पर इल्जाम लगाती हो, तो ये लोग अपने इल्जाम का जवाब देने के लिए तैयार है। वो अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कसम उठाने को तैयार है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, और मेरा बेटा भी हलफ लेने को तैयार है। तुम बताओ, तुम हलफ उठाओगी कि तुमने झूठ नहीं बोला? बोलो। क्या हो गया अम्मी आपको? क्यों खुदा के कहर को आवाज दे रही हैं आप? जिन लोगों के जमीर मर जाते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो झूठे हलफ उठाएं। और मुझे इन दोनों पे कोई भरोसा नहीं है। सुनहरा हलफ नहीं उठाएगी। मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या सच है और क्या झूठ। मुझे अपनी बीवी पे पूरा यकीन है, और मुझे इन दोनों पर। तो ठीक है, ठीक है, रखिए इन दोनों को आप इस घर में। मैं और जुनैरा इस घर में नहीं रहेंगे। चलो यहां से आओ। अरे पिए, तुमने क्या हमाकत की सईदा बेगम? तुम्हें यूं मेहर को वहां नहीं भेजना चाहिए था। जाने का फैसला खुद मेहर ने किया है। वो कह रही थी कि वो खुद आपसे बात करेगी। वो तो मासूम है, उस औरत की मकारियों के बारे में जानती नहीं। कि तुम तो समझदारी से काम ले सकती थी। मुझे फोन कर दिया होता, मैं कभी मेहर को वहां जाने की इजाजत ना देता। मालिक साहब, मेहर ने बहुत समझदारी का फैसला किया है। मैं जानती थी आप ऐसा ही कुछ कहेंगे, इसीलिए जानबूझकर आपको नहीं बताया। और जो भी है, जरार की माँ ने ठीक ही कहा था, क्योंकि अब सिर्फ मेहर की नहीं बल्कि सलार की भी जिंदगी का सवाल है। और वैसे भी मलिक साहब, जब बात औरत के किरदार पर आ जाए तो ख्वाह इल्ज़ाम झूठा ही सही, लेकिन उस इल्ज़ाम की बाजगश्त कई नस्लों तक सुनाई देती है। और मुझे अपनी मेहर पर पूरा यकीन है कि उस पर लगे हुए इल्ज़ाम वो बहुत होशियारी से और समझदारी से हटाएगी। ये तो तब होगा जब वो लोग उसे चैन से जीने देंगे। उस लड़की को तो तुम अच्छी तरह जानती हो, और उसकी मक्कारियों को। वो मेरी बच्ची को चैन से नहीं जीने देगी। मालिक साहब, हमारी पुरानी वाली मेहर अब वैसी नहीं रही है। बहुत बहादुर हो गई है, अपना दिफा करना जानती है। और वैसे भी मेहर की सास मेहर के साथ खड़ी है। उन्होंने इस बात की जमानत दी है कि सलार और मेहर को कुछ होने नहीं देंगी। सईदा, मसालियत की जरूरत नहीं थी। कल तक अदालत से खुला के पेपर भी मिल जाने थे, और सलार के कस्टडी के पेपर भी। मलिक साहब, मसालियत से रिश्ते तोड़ने के बजाय अगर हम जोड़ने की बात करें तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? मेरा दिल कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा,
अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम कह रही हो। ऐसा ही होगा। मैं कह रहा हूं ना जूनी, मैं उसे इस घर में नहीं टिकने दूंगा। तुम्हारे कहने से क्या होता है? सुना नहीं आंटी क्या कह रही थी, उसे घर से नहीं निकालेंगी कभी भी। अम्मी को मेरी बात माननी होगी इस बार, और नहीं मानेंगी ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले उस घटिया औरत से अपना बच्चा जरूर लेके जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें वो बच्चा दे देगी? हरगिज नहीं, वो तुम्हें इसी तरह तंग करती रहेगी। और जब हमारा बच्चा हो रहा है तो फिर क्या जरूरत है? वो बच्चा भी मेरा है, मेरी औलाद है, वो मेरा खून। देखो हमारा होने वाला बच्चा अपनी जगह, लेकिन सलार का अपना मकाम है। इस तरह तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तुम उस लड़की को तलाक क्यों नहीं दे देते हो? हाँ, और अपने सारे अख्तियारात उसे दे दो। अदालत वो बच्चा लेकर मेहर के हवाले कर देगी हमेशा के लिए। ऐसा नहीं होता। ऐसा ही होता है, मैं बात कर चुका हूं। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं मेहर से खुद कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। उसको इस घर से तो निकाल सकते हो ना? मुझे सोच सोच के कुछ होता है कि वो अभी भी इस घर में मौजूद है। पहले उसने मेरे हक में डाकर डाला, अब मुझे डर लगता है कि मेरे से ना जीत ले तुम्हें। ऐसा कभी नहीं होगा, मेहर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा जो कुछ है बस तुम हो, प्लीज अंडरस्टैंड। आंटी मैं इसलिए नहीं आना चाह रही थी, मुझे पता था यहाँ यही सब होगा। अरे होगा तो फिर होता रहे, तुम यहाँ क्यों नहीं आओगी? डट के मुकाबला करो उसका। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है मेहर भाभी, हम सब आपके साथ हैं। माजी में जो ज्यादतियाँ हमने आपके साथ की उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके साथ खड़े रह के उसकी तलाफी ज़रूर करना चाहते हैं। इस सब का कोई फ़ायदा नहीं सुमरा, तुमने देखा नहीं, जरार तो अब भी वहीं खड़े हैं, उनकी आंखों पर आज भी बेतबारी और शक की पट्टी बंधी है। वो इसलिए मेहर भाभी क्योंकि जुनैरा ने वो पट्टी आज तक उतरने नहीं दी। लेकिन समरा बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको डटे रहना है और आपको मुकाबला करना है क्योंकि हम आपके साथ। काश मैं खुद ही उसे सब कुछ बता सकती, बस समरा का सोच कर मेरी जबान पर ताले पड़ जाते। लेकिन सच है, ज्यादा दिन तक छुपा तो नहीं रहेगा, खुद ही सामने आ जाएगा। आज इतनी देर से रो रहा था, मुझे बाहर से आवाज आ रही थी, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? जरार बस नमाज पढ़ी थी। अच्छा बस, मैं लेके जा रहा हूँ उसको। कहाँ लेकर जा रहे हैं? तुमसे जब बच्चा संभलता नहीं है ना तो इसका बाप अभी मौजूद है, इसको संभालने के लिए, चुप कराने के लिए कमरे में लेके जा रहा हूँ मैं। लेकिन जरार वो मेरे बगैर नहीं सो सकता और मुझे भी उसके बगैर नींद नहीं आएगी। तो अपनी आदतें बदल लो मेहर, और सलार को मैं अपनी आदत डाल दूंगा। जरार इसको यहाँ क्यों लाए? क्या मतलब है क्यों लाए? बेटा है मेरा, मेरे पास सोएगा। ये यहाँ नहीं सो सकता, ये उसका बेटा है, उसे मैं अपने बेड पर नहीं सुला सकती। ये उसका नहीं, मेरा भी बेटा है। तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आ रही? समझने की कोशिश करो। क्या कुछ समझूं? और हर बार तुम अपनी बात मनवाओगे मुझसे। मैं नहीं सुला सकती इसको। अगर इसको यहाँ पे सुलाना है ना तो ठीक है, इसी को सुलाना है ना यहाँ पर, इसको सुलाओ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। Thank you.
तुम में तो बिल्कुल गैरत नहीं। इस घर से धक्के मार के निकाला था तुम्हें, तुम फिर आई, तुम्हें फिर भेज दिया, अब दोबारा आ गई हो। मैं खुद नहीं आई हूँ, फिर दोस्त आंटी लेकर आई मुझे। ये ड्रामेबाजी किसी और के साथ करो जाकर, ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। ड्रामेबाजी तुम जैसों का काम है, मेरा नहीं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चली जाओ यहाँ से। मेरे घर में खड़े होके मुझसे कह रही हो कि मैं चली जाऊं? इस घर से तुम जाओगी और अभी और इसी वक्त। चलो चलो चलो। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा आप लोगों ने शुरू किया था, मैं बस खत्म करी हूँ और ये यहाँ पर नहीं रह सकती। अब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेहर अब कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? मैं सब समझती हूँ। जरार की जिंदगी में फिर से शामिल करना चाह रही है ना आप इसको? शामिल करना नहीं चाह रही, शामिल कर चुकी हूँ। एक चैलेंज तुमने दिया था ना मेरी बेटी को, कि अगर उसने जरार को कुछ भी बताया तो तुम उसका घर बर्बाद कर दोगी। अब एक चैलेंज मैं तुम्हें दे रही हूँ, मेहर कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। हाँ, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। बहुत गलत कर रही हैं आप, ज्यादती कर रही हैं आप मेरे साथ इसकी हिमायत करके। मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं चुप हूं ना, मुझे चुप रहने दो, क्योंकि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। और अगर मैंने जरार को वो सब कुछ बता दिया तो वो एक मिनट के लिए तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए बेहतर है कि जो जैसे चल रहा है उसे चलने दो। ये मेहर के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी बेहतर है, समझी? आओ मेहर। कहीं किसी मासूम बेगुनाह की बदुआ का असर तो नहीं? ये उस गुनाह की सजा तो नहीं जो जूनी से हुआ? आप ये बात सोचना छोड़ दें कि किसके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तुम्हें मैं कैसे कहूं अपना, अमानत हो, अमानत हो। सुनहरा का तो मैं खरी खरी सुना आई, लेकिन उस लड़की के तेवर बताते हैं वो चैन से नहीं बैठने वाली। ज्यादा फिक्र तो मुझे जरार की है, कहीं वो घर छोड़कर ना चला जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ फिरदौस, वो थोड़ा सा जिद्दी जरूर है लेकिन घर नहीं छोड़ के जाएगा। अब तुमने कितना एहसन कदम उठाई लिया है तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत? कैसा कदम? यही कि तुम मेहर को साथ ले आओगे। हैरान कुन बात यह है कि तुम मेहर की तकलीफ पे इतनी परेशान हो गई कि दोनों को साथ ही लें। तो क्या गलत किया मैंने? मैं कब कह रहा हूँ गलत किया, इस बार तो तुमने जितना मामला फहमी का सबूत दिया है कमाल ही कर दिया। ना जाने क्यों मेरा दिल इस बात की गवाही देता है कि मेहर में कोई खोट नहीं थी। चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें भी ये बात समझ आ गई। कभी कभी सच को पहचानने में कुछ वक्त लग जाता है। मुझे बड़ा जोम था खुद पर कि मैं खरे खोटे की पहचान रखती, पता नहीं इस बार कैसे धोखा खा गया। चलो जो हो गया सो हो गया, अब आगे सोचते हैं क्या करना। बाकी तो सब कुछ मैं देख लूंगी, लेकिन आप अपने बेटे से बात करें, ये घर छोड़कर जाने की धमकियां देना बंद करें। और अगर वो ना माना तो? तो भी मैं मेहर और सालार को इस घर से नहीं जाने दूंगी। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि तुम मेहर को अपने बेटे को फौकियत देने लगी? बात फौकियत की नहीं है सफदर, बात कफारा अदा करने की। कैसा कफारा? छोड़ें इस बात को, बस अपने बेटे से बात करें। अच्छा। मुझे तो समझ नहीं आ रही आप लोग चाहते क्या हैं? वो लड़की घर आ गई है, तुम्हारी माँ उसको घर ले आई है। आंटी ये अम्मी का फैसला था, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। तुम ही ने मशवरा दिया होगा, कल गई थी ना तुम अपने घर। हो कैसे सकता है कि तुम्हारी माँ ने इतना बड़ा कदम उठा दिया तुम्हारे मशवरे के बगैर? तुम देख रहे हो ना राहिल, एक सेकंड भी नहीं लगा इसे जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताने में। तुमने तो कहा था तुमने समझा दिए, ये कुछ भी नहीं बोलेगी वहां जाकर। आंटी मैंने कुछ नहीं कहा। तो वही नाजल हुई थी तुम्हारी माँ को, वो उस लड़की को सिर्फ ले नहीं आई, उसके किरदार और सच की गवाहियां देती फिर रही है। मतलब मेरी बच्ची ने एक छोटी सी गलती क्या कर दी है,
उस गलती के लिए तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मम्मी प्लीज बस कर दें। जब वो कह रही है उसने नहीं किया तो आप मान लें कि उसने नहीं बोला। और प्लीज जूनी के गुनाहों को गलती का नाम मत दें। तो क्या करूं? छोड़ दूं उसको उसके हाल पे? होने दूं जो उसके साथ हो रहा है? मम्मी कभी आपने सोचा बाबा इस तरह अचानक क्यों चले गए? हमें बिजनेस में इतना बड़ा लॉस क्यों हो गया? आज मैं इस हाल में खड़ा हूं कि मुझे सारा बिजनेस यहां से वाइंड अप करके कहीं बाहर खोलना पड़ रहा है। कहीं किसी मासूम बेगुनाह की बदुआ का असर तो नहीं? ये उस गुनाह की सजा तो नहीं जो जूनी से हुआ? आप ये बात सोचना छोड़ दें कि किसके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप बस ये सोचें कि जो गुनाह हम सब से जूनी की वजह से जाने अनजाने में हो गया उसका कफारा किस तरह अदा करना है। प्लीज रजिया मेहर बीबी को बुलाकर लाओ, नाश्ता कर ले आके। मैं आखिर आप चाहती क्या है? क्यों, अब क्या हुआ? अब कौन सी बात बुरी लग गई? मेहर को आप यहां लेके आ गई है ना इस घर में, अब मजीद आप मेरी पेशेंस को क्यों टेस्ट कर रही हैं? आपको याद नहीं है उसने क्या किया था हमारे साथ, आपके साथ, और यहां आप उसको नाश्ते की टेबल पे हमारे साथ बिठा रही हैं? वो मेरी बहू है, हमारे साथ टेबल पर बैठकर नाश्ता करेगी। ठीक है, वो बैठे, मैं जा रहा हूं। अरे तुम कहां जा रहे हो, बैठो। आप देख रहे हैं ना क्या कह रही हैं अम्मी? मेरा ख्याल है कल तक तुम ही परेशान थे कि सब कुछ तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा है, तुम खो रहे हो अपनी औलाद को। अब जब तुम्हारी मां ने अपनी मामला फहमी से सब कुछ संभाल लिया है तो फिर क्यों जज्बाती हो रहा? कौन सी मामला फहमी की बात कर रहे हैं? उसको देखता हूं ना तो खून खौल उठता है मेरा। जुनैद का एक्सीडेंट हुआ था, आप उसको घर लेकर आ गए, बात समझ में आती है, मजबूरी थी आपकी, खून था आपका, लेकिन इस लड़की से क्या रिश्ता है आपका? अच्छा तो ठीक है, जाने देते हैं उसे अपने घर, लेकिन एक बात याद रखना के साथ ही सालार भी जाएगा। अब बात फिर वहीं से शुरू होगी जहां पे खत्म हुई थी। बाद में रोते हुए अपने मां बाप के पास मत आना कि क्या हो रहा है मेरे साथ। इस मसले का कोई और हल भी निकल सकता था, मेहर को यहां लाना बिल्कुल जरूरी नहीं था। इस बात का इसके अलावा कोई हल नहीं है जरार, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। क्यों बेमकसद जिद कर रहे हो? क्या ये अच्छा नहीं है कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने मौजूद हो और तुम जब चाहो उसके साथ खेल सकते हो? कोई पाबंदी नहीं होगी तुम पे, कोई उसे तुमसे अलग नहीं कर सकेगा। मगर अबू। बस जरार, तुम्हारे अबू तुम्हें बहुत अच्छी तरह से बात समझा चुके हैं, अब अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही ना तो फिर तुम्हारी मर्जी है, मजीद बहस मत कर। नहीं आएगी मुझे समझ। आज सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कल से इतना कुछ चल रहा था इस घर में, मेरा इंट्रोडक्शन ही नहीं हो सका आपसे ठीक से। मैं लाइबा हूँ, जुनैद की वाइफ। सुबह से सोच रही थी कि आपसे मिलने आ जाऊँ, लेकिन फिर ये सोच के रुक जाती थी कि पता नहीं आपको कैसा लगेगा। काफ़ी जिक्र सुना है मैंने आपका जुनैद से, अक्सर आपके खानों की, आपके हर काम में एक्सपर्ट होने की बहुत तारीफ करते हैं। बहुत ही प्यारा रिश्ता है मेरा और जुनैद भाई का, देवर भाभी का नहीं बल्कि बहन भाई का है। बस मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ मेहर भाभी, अगर ये सब कुछ मेरे साथ हुआ होता ना तो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। आपका ज़र्फ़ है कि इतना कुछ होने के बाद भी आप आज फिर इस घर में मौजूद हैं। इंसान की मजबूरी उससे बहुत कुछ करवा देती। मैं यहाँ आप सिर्फ सलार की वजह से हूँ, और मैं तो ये भी नहीं जानती कि
इस बार का पड़ाव आरजी है या मुस्तकिल? मुझे लगता है कि अब आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। वैसे भी झूठ पर बने रिश्ते ज्यादा देर तक कायम नहीं रहते। आप देखिएगा, आपका सच खुद गवाही बनके जरार भाई के सामने आ जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे अब अपने और जरार के बीच के रिश्ते और ताल्लुक में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप फिक्र नहीं करें भाभी, वैसे भी अल्लाह ताला किसी इंसान का सब्र उसकी हिम्मत से ज्यादा नहीं आजमाता। जानती हूँ, तभी अल्लाह ताला हिम्मत और बढ़ा देता और आजमाइशें भी। अल्लाह ताला ने मुझे इस नेमत से नवाज कर अपनी नजरों में मुतबर कर दिया, इसलिए अब मुझे किसी और के एतबार और साथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई, तुम अपनी सुनाओ। चार दिन में जाना है मलिक साहब, लेकिन अभी दो दिन पहले तो आप कह रहे थे कि हमारा जाना मुमकिन ही नहीं। हाँ, वो मेहर का सोच कर ही मना किया था। अब जब वो अपने घर की होगी है तो इस नए काम में देर नहीं करनी चाहिए। और फिर हम क्यों उसके बुलावे को नजरअंदाज करके उसकी नाराजगी मोल लें? ठीक कह रहे हैं आप। चलिए ठीक है, मैं फिर कल ही जाने की तैयारी करती हूँ। अच्छा सईदा, मैं सोच रहा था उम्रा करने से पहले दो दिन के लिए कराची चक्कर लगा लेते हैं। इसी बहाने मैं अपनी बच्ची से मिल लूंगा और डॉक्टर से चेकअप भी करा लूंगा। मालिक साहब, अभी उसे गए हुए दिन ही कितने हुए हैं, थोड़ा सेट तो होने दें। मेरा ख्याल से वापसी में मिलते हैं उससे, अभी रहने दें। अभी कैसे रहने दूं सईदा? मेरी बच्ची उस घर में रहती है, मैं उसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। पर अगर तुम समझती हो 15-20 दिन में हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो ये खुशफहमी है तुम्हारी। मैं इस खुशफहमी में रहना चाहती हूँ मलिक साहब। आपकी बच्ची अपने घर में बहुत खुश है, उसे कोई परेशानी नहीं है। वो मुझे बता रही थी कि जरार के माँ बाप उसका बहुत ख्याल रखते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो अपनी बच्ची को कॉल कर सकता हूँ। मुझे भला क्या एतराज होगा मलिक साहब। हंसी आ रही, हंसी आ रही है। जब से आए हो इसी में लगे हुए हो, एटलीस्ट चेंज तो कर लो। हाँ कर लूंगा, ऐसे भी क्या जल्दी है। देखो ऐसी कितनी प्यारी स्माइल है। अच्छा सरारे से मुझे दे दीजिए, इसे भूख लगी है। हाँ तो चाहो सुखरा से कहो कि फीडर लेकर आ जाए। मुझे दे दीजिए, इतने बजे तक ये रोज सो जाता है। सुला दूंगा मैं इसको, ऐसा क्या मसला हो गया? वो कह रही है तो दे दो ना, वरना बहाने बहाने से कमरे में आती रहेगी हमारे। जरार प्लीज इसे मुझे दे दे, मैं
कल भी सारी रात सो नहीं सके। क्यों दिमाग खराब कर रही हो मेरा? मैंने कहा है ना कि सुग्रा से कहो कि फीडर लेकर आ जाए, मैं सुला दूंगा इसको। अब जाओ यहां से। अच्छा ठीक है, मैं मैं बाद में बात करती हूँ। आंटी मैं यहाँ और नहीं रह सकती, आप प्लीज मुझे जाने दें। मेहर बेटा, मैंने तुम्हें समझाया है ना कि तुम्हें जुनैरा से डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना तुम्हारे साथ। आंटी बात जुनैरा की नहीं है, सरार की आंखों में मुझे अपने लिए बहुत नफरत नजर आती है। वो मुझसे बात भी करते हैं तो उनके रवैये में सिर्फ नफरत ही है। जानती वो मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, लेकिन लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक हो जाएगा सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता, कुछ चीजों में वक्त लगता है। पर सलार को भी वो रोज मुझसे लेकर चले जाते हैं, उसे मेरे साथ सोने भी नहीं देते, और जुनैरा भी उसे देखकर इतने मुंह बनाती है, और जरार को कुछ भी नजर नहीं आता। मुझे ये बिल्कुल गवारा नहीं है कि सलार को किसी ऐसे के साथ रहना पड़े जो उससे बेजार हो। हाँ ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं बात करूंगी उससे, कल से ऐसा नहीं होगा। कहाँ चले गए थे जरार? इस बच्चे ने रो रो के मेरे सर में दर्द कर दिया है, और रजिया को बोलो इसको इसकी माँ के पास छोड़ कर आए। क्या हो गया सुनी? इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो रहा है इसको, दवाई लेने गया था इसके लिए। ये काम माँ के करने के होते हैं, तुम इसके लिए मेरा सुकून क्यों बर्बाद कर रहे हो? और मेरी कंडीशन का कोई अंदाजा नहीं है, डॉक्टर ने रेस्ट करने का बोला है मुझे। तुम भूल रही हो शायद कि मेरी भी औलाद है, मेरा भी फर्ज बनता है, और बच्चे इसी तरह होते हैं, रोते हैं। अभी दवाई पिएगा सो जाएगा आराम से। बाप का काम ना सिर्फ चीजें लाकर देने का होता है, बाकी सारी जिम्मेदारियां माँ की होती हैं। अब तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम जानती नहीं हो मेरी प्रॉब्लम क्या है? उस औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, लेकिन मजबूरी यह है कि वो माँ है इसकी। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा और तुम्हारा यूज्ड टू हो जाए, ताकि इसको माँ की कमी महसूस ना हो। बच्चा जिसका आदी होता है ना उसी के साथ रहना पसंद करता है, और तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे साथ रहकर मैं बेबी सिटिंग करूंगी? हाँ तो करनी है ना आगे। अच्छा नहीं अभी से आदि हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। माओं को कैसे पता चल जाता है कि औलाद उदास है? क्योंकि अल्लाह ने माओं के दिल को मोहब्बत के खमीर से गूंदा है, यही तो है वो मोहब्बत जो माँ और औलाद के बीच रिश्ता बनाती है, इसीलिए तो माँ को सब खबर हो जाती है। मैं तेरी माँ तो नहीं हूँ महर, लेकिन मुझे तेरे दिल की सारी खबर है। चुची आप मेरी माँ नहीं, मेरे लिए माँ से बहुत बढ़कर हैं। क्यों मेरी बच्ची उदास है? बस चची जब से यहाँ आई हूँ मुझे तो लगता है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैंने एक पल भी चैन का सांस नहीं लिया, कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसा क्या हो गया है महर? जरार की माँ तो तुझे बड़े दावे से लेके गई थी कि वो तेरा ख्याल रखेगी और तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगी। नहीं वो तो बहुत ख्याल रखती है मेरा, बस वो सुनहरा। तू मुंह ना लगा कर उसके। मैं कुछ नहीं कहती उसे चाची, लेकिन उससे सामना तो होता है ना, किसी ना किसी बात पे वास्ता पड़ता है। अल्लाह ताला
कुछ लोगों को बहुत ढील देता है मेहर, लेकिन अब जरार की माँ को चाहिए कि वो जरार को सब कुछ सच सच बता दे। उनकी भी मजबूरी है, इसमें समरा का तो कोई कसूर नहीं। गलत तो तुम भी नहीं हो मेरी जान। अच्छा बहरहाल ये सारी बातें करके तुम्हारा दिल मजीद मत खराब कर, ये बता कि सलार कैसा है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? जी वो ठीक है। सरार ने मुझे समझ क्या रखा है? नहीं नहीं बेबी सिटर। आंटी रजिया कहाँ पर है? मुझे नहीं मालूम, यहीं कहीं होगी, किचन में देख लो। सलार कहाँ आंटी? सलार? ये सवाल डायरेक्टली मुझसे भी पूछ सकती हो, कमरे में है, सो रहा है। तुम उसे अकेला छोड़ आई? आंटी मैंने अभी बताया, शायद सुना नहीं है आपने, सो रहा था इसलिए आ गई मैं। आंटी इस वक्त नहीं सोता वो, तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार हो रहा था, सरार जाते हुए दवाई पिला कर चला गया इसलिए सो गया वो। क्या हुआ उसकी तबीयत को और मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे गलती हो गई, इतनी फिक्र हो रही है ना तो जाके खुद देख लो। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो बताना तो चाहिए था ना। तो बताया तो है मैंने अभी। आंटी देखे ना इसे क्या हुआ है, इसे बहुत तेज बुखार है। वाकई बहुत तेज बुखार है। आंटी तो हिल भी नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। सफदर से बात करती हूँ। मेडिसिन के ओवरडोज की वजह से बच्चे की हालत काफी गैर हो गई है। अगर वक्त पे अस्पताल ना लाया जाता तो मामला कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, दवाई तो मैंने ही दी है। मुझे याद है कि मैंने बहुत कम खुराक दी थी उसको, और वो भी बुखार की वजह से। वेल एज पर दी रिपोर्ट्स ये सच है जरार साहब। तो आप बताइए ना क्या किया जा सकता है। मैं आपको कुछ सिरप लिख के दे रहा हूं। ले लीजिए, ये सिरप मैंने लिख दिया है, दो दिन तक बच्चे को ये पिलाइए और ज़रा सी भी हालत ख़राब हो तो आप मुझसे रुजू कर सकते हैं। और हाँ याद रहे कि जो मिकदार इसमें बताई गई है आपने सिर्फ उतनी ही डोज लेनी है। जी ऐसा ही होगा। ठीक है ज़रा साहब, आप दोनों इस वक्त बच्चे को ले जा सकते हैं, मगर याद रहे दो दिन बाद बच्चे को चेकअप के लिए ज़रूर लाइए। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
जरार को पता चल गया तो क्या होगा? तुम्हें मैं क्या